नमस्कार, हफ्ते दे लेखे जोखे च तुंदा सबने दा स्वागत है। मैं रजनी अनुभव। आओ सबने शा पहले पाल पाने हफ्ते भर च होई दी गतिविधियों पर। आर्मी थमां रिटायर्ड होए दे लोकें सोमवारें विरोध प्रदर्शन कीता। उन्हें आखिया जे 1998 च इक एडवर्टीजमेंट दे मुताबिक उनेंगी सैनिक कॉलोनी च जमीन अलॉट की गई ही। जिसले उन्हें उस जमीन की रजिस्ट्रेशन की गल की तो उन्हें उस जमीन की रजिस्ट्रेशन उन्हें नहीं की, लेकिन हाली तोड़ी उस जमीन की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, जिसकी लिए उन्हें कड़ा विरोध जताया। सूबेदार गौरी शंकर, हम यहाँ इस मसले पर आए हैं कि हमें 98 में इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट डाला जे के ये सल वालों ने कि हम कॉलोनी बना रहे हैं, सैनिक कॉलोनी, और उसमें इन्होंने दो कॉलोनियाँ प्रपोज की, एक राजेंद्र बिहार और एक दूसरी की कारगिल बिहार, ठीक है। और उन्होंने और दोनों उसमें 2003 में अप्रैल में उन्होंने एक डकी ड्रा निकाला जिसमें हमें प्लाट अलॉट कर दिए गए, मगर जब हमने रजिस्ट्रेशन के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया कि ये एग्रीमेंट लैंड है। सोमवार पत्रकार तिलक मेहरा हुंदा काल हो गया, उन्हें गी भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई ते उन्दे कम्मे गी याद कीता गया। सर, हमने काफ़ी टाइम काम किया, लंबा काम हमने एक लेवल में किया है इकट्ठा, बड़े टाइम पर चल छोटी टाइम पर, क्योंकि ज़बरदस्त टाइम दिए आते थे। आज हमने उनको श्रद्धांजलि इसीलिए दी कि हम याद रखें कि ऐसा होता है, जो आया उसमें जाना है, लेकिन एकदम बीच में से उठ जाना कि बच्चे दो रह गए हैं, उनकी वाइफ है, इसके लिए दुख है, देखते हैं उनके लिए भी क्या कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के बेड़े च 500 नवे वाहन शामिल होंगे। ये 95 वाहन शामिल हो चुके हैं जिदी पंजीकरण की प्रक्रिया चला रही है, तो तौले गए इन्हें गी बख बख रूटों पर चलाया जाग। नवे खरीदे जाने वाले वाहनों च 250 जम्मू तो 250 कश्मीर संभाग च दौड़गन। जेके आरटीसी के बेड़े च 47% थमां मते वाहन ओवरएज न। इन्हें वाहनों की बदलने की कवायद च जेके आरटीसी 500 नवे वाहनों की खरीद करार दी है। इन्हें वाहनों चू 44 सीटर सैमी डिलैक्स, 20 सीटर डिलैक्स स्लीपर कोच, 48 एसी बसा ते ट्रक शामिल होंगन। प्रधानमंत्री कार्यालय च राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें एक बारी परतियै दोहराया जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें जम्मू ते कश्मीर की विशेष प्राथमिकता दिती है, जिदे कारण कश्मीर च पहली जिने गौरव की बहाल किया जा रहा है। उन्हें श्रीनगर च जेके आईसीसी च व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, पर्यटन, होटल, हाउसपोर्ट, शिकारा, परिवहन ते बाकी हितधारकों के प्रतिनिधियों कन्ने गलकत करते हुए ये गल आखी। मंत्री होर यह भी आख्या जे पीएम मोदी और आपू जम्मू कश्मीर कन्ने जुड़े दे मामले ते मुद्दे च गहरी दिलचस्पी लै वारदे न, ते कन्ने के परियोजना उपर आपू गै निगरानी करारदे न। जम्मू कश्मीर उन्दे दिला दे बड़े गै करीब है। व्यापार, पर्यटन, होटल, व्यवसायी, रेस्तरा ते बाकी व्यवसाय दे प्रतिनिधियों दे मुद्दे, समस्याएं ते शिकायतें गी सुनदे होई डॉक्टर सिंह होरें उन्हें आश्वासन दिता कि सबे जायज़ मुद्दे गी पहल दे तौर उपर हल किया जाग। सिंह होरें आख्या जे ओह विश्वास दिलाना चाहते ने जे सबे मुद्दे गी तौले शा तौले सुलझाई लैता जाग। उन्हें भी आख्या जे पीएम नरेंद्र मोदी हुंदे नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार उत्तरदायी है, यह जिम्मेदार सरकार की पहचान है। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के आवाहन उपर 22 सितंबर च जम्मू पूरी चाली बंद रहा। रिलायंस स्टोर खोले जाने के विरोध च यह प्रदर्शन पूरी चाली कन्ने जारी रहा। एदे इलावा बख बख संगठन भी उन्दे समर्थन च अगे आए। उत्थे गए पीडीपी, आम आदमी पार्टी ने भी पूरी चाली कन्ने समर्थन किया। कैमिस्ट एसोसीएशन ने पूरी चाली कन्ने बंद रखा ते एदा प्रदर्शन किया। ते दुई बखी रिलायंस स्टोर खोलने के विरोध च जम्मू व्यापारियों काफ़ी गुस्सा दिखने की लबादा हा। उत्थे गए बेयर हाउस जम्मू च भी पूरी चाली कन्ने बंद रहा। राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी इस बंद का पूरी चाली कन्ने समर्थन किया। महाराष्ट्र थमां राज्यसभा की सीट ले कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल होरें गी उम्मीदवार बनाने की पार्टी हाईकमान के फैसले कन्ने जम्मू कश्मीर च गुलाम नबी आज़ाद समर्थकें गी झटका लग्या। भले गे रजनी पाटिल होर जम्मू कश्मीर की प्रभारी न, मगर जम्मू कश्मीर च पार्टी च गुलाम नबी आज़ाद हुंदी भूमिका मती अहम है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रेहदे आज़ाद होरें गी जम्मू कश्मीर च उंदा अपना एक खेमा है जिदे च उंदा समर्थन करने वाले नेता ते कार्यकर्ताएं की कमी नहीं है। ये ओ नेता न जिहड़े जम्मू कश्मीर च रजनी पाटिल की बैठक च शामिल होने थमां कतरांदे रहे न। मुख्य तौर उपर
आज़ाद का समर्थन करने च पूर्व उप मुख्यमंत्री तारा चंद, पूर्व मंत्री जुगल किशोर, पूर्व मंत्री GM सरूरी ते और मते नेता शामिल है। जम्मू हॉट की 7-मंजिला इमारत च स्थानीय उत्पादें की प्रदर्शित करने गित्ते 62 डिस्प्ले काउंटर बनाए गए। इस भवन च पार्किंग की व्यवस्था लई कॉन्फ्रेंस हाल ते प्रदर्शनी लाने की सुविधा भी उपलब्ध है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ते उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और खास तौर पर उपस्थित है। पहले इस भवन का नाम जम्मू कश्मीर ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर हा। इस बरे जुलाई च सरकार ने आदेश जारी करी एदा नाम जम्मू हाट करी दिता। जम्मू च अपनी चाली दे इस चाली दे पहले सेंटर दे रख रखाव का जिम्मा स्माल स्केल इंडस्ट्री डिवेलपमेंट कारपोरेशन का होग। जम्मू हाट दे लोअर ग्राउंड फ्लोर उपर हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम उद्योगिक उत्पादें की प्रदर्शित करने की व्यवस्था है। उत्थे गए अपर ग्राउंड फ्लोर का इस्तेमाल महिला उद्यमियों की बढ़ावा देने गित्ते कीता जाग। पहली ते दूसरी मंजिलें उपर इस्तेमाल उत्पादकें, सेवा सैक्टर, उद्योगिक इकाइएं, स्टार्टअप जिन्हें प्रोडक्ट की बढ़ावा दिता देने जुगा होग। उत्थे गए 3 मंजिल उपर महिला उद्यमी विकास संस्थान होग। बाकी मंजिलें उपर कॉन्फ्रेंस हाल उद्योग करने संबंधित विभागें लिए प्रदर्शनी ते कॉन्फ्रेंस ते और मती सारी चीज़ें की व्यवस्था होग। का आंकड़ा निकाला तो इसे मार्च 2016 में उन्होंने प्रकाशित किया। अभी 7वें सेंसस पर काम चल रहा है और रिपोर्ट आने वाले दिनों में सामने आई है। इतनी समृद्ध विरासत होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर जो टॉप 10 स्टेट से है थे उनमें शामिल नहीं है। और अगर मैं कुछ और आगे तक आपको बताऊँ 2013-14 में जम्मू कश्मीर में 54,437 हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम की कॉटेज इंडस्ट्री में से महज 704 संस्थानों को किसी न किसी प्रकार से आर्थिक सहायता मिलती थी। बाकी जो 5,566 संस्थान थे ये साहूकारों से पैसा ब्याज पर कर्ज में लेते थे। अगर की बात मैं करूँ महज 95 मजबूती की पहचान ACC सीमेंट मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट ACC सीमेंट 45 ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। ब्रेक दे बाद परतिए तुंदा स्वागत है हफ्ते दे लेखे जोखे च। 23 सितंबर की महाराजा हरि सिंह हुंदा जन्म ध्याड़ा बड़ी गै धूमधाम कन्ने मनाया गया। चैंबर ऑफ ट्रेडर्स बखिया महाराजा हरि सिंह होरें गी भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई ते उंदे कम्मे गी याद कीता गया। उत्थे गै दुई बखी महाराजा हरि सिंह जी हुंदे जन्म दिवस उपर राष्ट्रीय बजरंग दल ने उंदे जन्म ध्याड़े उपर छुट्टी दी डिमांड कीती। महाराजा हरि सिंह हुंदा जन्म ध्याड़ा हरि सिंह पार्क च भी मनाया गया जिथे वख वख संगठन शामिल होए। उत्थे गै दुई बखी बाहू फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी बखिया भी महाराजा हरि सिंह हुंदा जन्म ध्याड़ा धूमधाम कन्ने मनाया गया ते वख वख संगठने उंदे जन्म ध्याड़े ते उंदे आदर्शों उपर चलने की प्रेरणा लैती। ओदे इलावा महाराजा हरि सिंह हुंदे जन्म ध्याड़े उपर युवा राजपूत सभा बखिया बाइक कार रैली का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने साल 2018 के म्युनिसिपल ते पंचायत चुनावों च ड्यूटी देने वाले वख वख विभागों के अधिकारियों ते कर्मचारियों गी दिते जाने वाले 1 महीने के अतिरिक्त वेतन का किश हिस्सा गलत तरीके कन्ने देने गी गंभीरता कन्ने लैता। सरकार ने हुण करोड़ों रुपए का होएदा यह अतिरिक्त भुगतान इन्हें कर्मचारियों ते अधिकारियों थमां वापस लैने का फैसला लैता है। सबे लाभ मिलाइए एक कुल राशि 43.29 करोड़ रुपए की बनती है। सरकार ने 20 दिसंबर 2018 की आदेश जारी किया हा जिदे च म्युनिसिपल ते पंचायत चुनावें या फिर दोनों के चुनावें च ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों की 1 महीने का अतिरिक्त वेतन या मानदेय देने का फैसला किया गया हा। इस आदेश के बाद वख वख विभागों के DDO ने सबे कर्मचारियों ते अधिकारियों की चुनाव की ड्यूटी के बाद 1 महीने का अतिरिक्त वेतन जारी कर दिता। मगर जम्मू कश्मीर के प्रिंसीपल अकाउंटेंट जनरल ने जिसले इस बारे च वख वख विभागों थमां जानकारी मंगी ते उन्हें पाया जे उस वेले DDO ने वेतन के कन्ने HRA CCA भी कर्मचारियों की दिता हा।
रेगुलराइजेशन पॉलिसी की लिए आशा वर्करें शुक्रवार जोरदार प्रदर्शन किया। उन्हें आखिया जे सरकार बखी उनकी छड़ा आश्वासन दिता जाता है पर जमीनी हकीकत उपर किश होर गै गल दिखने की लगती है। उन्हें आखिया जिसले तोड़ी साड़ी मंगा पूरियां नहीं होंगन उनका प्रदर्शन इं गै जारी रोग। अगर वो 24,000 हमारा लागू नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो हमारा स्टेट का मेहनताना बनता है वो हमें दिया जाए। सरकार बार बार हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारा आज 5वां प्रोटेस्ट है, अगर सरकार ने आज भी हमारी बात नहीं मानी, नहीं सुना तो आने वाले दिनों में हम सड़कों पर उतरेंगे। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पत्नीटाप च 2 दिवसीय मानसून फेस्टिवल का आगाज शनिवार हुआ। इस मौके पर जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर राघव लंगर, डायरेक्टर टूरिज्म विवेका आनंद राय, डीसी रामबन, डीसी उधमपुर, एडीजी मुकेश सिंह ते बाकी गणमान्य अतिथि मौजूद हे। सूर्य पुत्री तवी की साफ सफाई की लिए परेड कॉलेज की छात्राएं अभियान छेड़िया। उन्हें लोगों की जागरूक किया ते आख्या जे असें तवी की पूरी चाली कन्नै साफ सुथरा रखना है। हम यहाँ पे थोड़ी देर पहले आए थे और लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे गंद डाल रहे थे, तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कि हमारी तवी ही है जिसकी वजह से हमारे घरों में पानी आ रहा है, जिसकी वजह से हम मतलब जी रहे हैं। जल नहीं होगा तो हम कल को कहाँ जिएंगे, कहाँ से रहेंगे? तो प्लीज़ तवी रिवर को गंदा ना करें, जो गंद है वो डस्टबिन में डालें अपनी तवी। JKPYC वासिया आज नेशनल लेवल स्पीच कंपटीशन का शुभारंभ किया गया। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करी जानकारी साझा करते हुए आख्या जे इसकी 3 चरणों में विभाजित किया गया। कंपटीशन करवाया जाएगा और वहाँ पर भी 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद उसका राष्ट्रीय स्तर पे 14 नवंबर को कंपटीशन करवाया जाएगा। तो इस तरीके से 3 चरणों में इस कार्यक्रम को किया जाएगा। तो आज यहाँ पे इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत है। गांधीनगर रेड़ी जोन च आज संदिग्ध परिस्थितियों च अग लगी गई। अग लगने के कारण का अली तोड़ी पता नहीं चली पाया। पुलिस ने मामला दर्ज करी कार्रवाई शुरू करी ओड़ी है। पुलिस को बोला या फायर ब्रिगेड आई थी? फायर ब्रिगेड आई थी सर और पुलिस भी आई थी। तो आपको क्या लगता है कि ये लगाई गई है या आग लग गई है? सर किसी ने लगाई गई है, लग तो नहीं गई है, ऐसे लगाई गई थी क्योंकि यहाँ पे तो कारें सारी यहीं लगी हुई है, नहीं तो ऐसे तो यहाँ लग गई। जम्मू रेलवे स्टेशन कशा एक आतंकी की गिरफ्तार किया गया। ओदे कशा आपत्तिजनक समान बरामद किया गया। समान बरामद करी पुलिस ने उसकी अपने कब्जे च ले लेता है ते आतंकी की गिरफ्तार कर लेता है। आर आने जाने वाले दी पुछ मंग पड़ताल की जा रही है। हफ्ते दे लेखे जोखे दे आज दे इस अंक च बस इन्ना गै। मी ते मेरी पूरी टीम की दियो इजाजत ते तुस दिखते रहो पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू।